इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की फिल्म फॉर अ वुमन के बारे में, जो कहानी है एनी नाम की औरत की, जिसने अपनी माँ की मौत के बाद उनके सामान की छानबीन की और तब उसे कुछ ऐसी चीजें मिली जिनकी वजह से उसे अपने माता पिता की शादी और एक ऐसे रिश्तेदार के बारे में पता चला जिसके बारे में वो जानती तक नहीं थी। साल 1980 में अपनी माँ के गुजरने के बाद एनी और तानिया नाम की दो औरतें उनकी चीजें छाट कर छानबीन करने लगी। उन्हें कुछ तस्वीरें और गहने मिले जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। एनी ये सोचकर निराश थी कि अब उनके पिता भी बीमार रहने लगे हैं। इन्हीं बातों के बीच तानिया ने कह दिया कि उनके पिता को कभी एनी पसंद नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही एनी उनके साथ नहीं रही। एक फिल्म मेकर होने की वजह से एनी को हर एक चीज में कहानियां नजर आती थी और इसलिए एक अंगूठी मिलने के बाद वो अपने माता पिता लेना और मिशेल की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करने लगी और उसी जिंदगी पर कहानी लिखने लगी। दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही मिशेल और लेना सोवियत रशिया छोड़कर पेरिस में रहने आए। वो दोनों जूश थे इसलिए उन्हें एक इमिग्रेंट कैंप में रखने का फैसला लिया गया, पर उस वक्त लेना प्रेग्नेंट थी और उनका बच्चा ऑफिशियली फ्रेंच नागरिक होने वाला था। मिशेल को एक बेटा चाहिए था, पर उसकी जिंदगी में एक बेटी आई जिसका नाम उन्होंने तानिया रखा। मिशेल ने मॉरिस नाम के कम्युनिस्ट लीडर से दोस्ती कर ली और उसकी पार्टी का हिस्सा भी बन गया। लेना को लगने लगा कि मॉरिस की पत्नी मैडलीन का पॉल नाम के एक आदमी के साथ अफेयर है, पर उसकी इस सोच को बकवास कहकर मिशेल ने उसे फिल्में कम देखने की सलाह दी। मिशेल तो पॉलिटिक्स का हिस्सा था, पर लेना को पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन मिशेल को पता चला कि लेना की सोच सही थी और मैडलीन और पॉल का सचमुच अफेयर चल रहा था। उसे ये भी पता चला कि मैडलीन मॉरिस को तलाक देने वाली है, पर ये सारी बातें उसने मॉरिस को नहीं बताई। ठीक उस वक्त लेना मिशेल के पास एक चिट्ठी लेकर आई जो उनके पास सरकार की तरफ से आई थी, और चिट्ठी पढ़कर उन्हें पता चला कि वो दोनों ऑफिशियली फ्रेंच नागरिक बन गए हैं। नागरिक बनते ही मिशेल ने एक कपड़ों की दुकान शुरू की और धीरे धीरे वो अपने इलाके में मशहूर होने लगा। एक दिन अचानक लेना ने उसे बताया कि एक अनजान आदमी उनके घर आया है जो अपने आप को मिशेल का भाई बता रहा है। मिशेल आज तक ये सोच रहा था कि उसका भाई जॉन एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारा गया है, पर घर जाने पर उसे पता चला कि वो अब भी जिंदा है। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए, पर मिशेल के लिए उसे पहचानना मुश्किल था क्योंकि 9 साल की उम्र में ही जॉन ने अपना घर छोड़ दिया था। उस दिन के बाद जॉन उसी घर में रहने लगा और उसने बताया कि वो सोवियत आर्मी का हिस्सा था और किसी तरह जंग लड़ते लड़ते वो आर्मी छोड़कर पेरिस में आ पहुंचा। मिशेल ये सोचकर रोने लगा कि आज तक उसे अपने परिवार का एक भी सदस्य मिला नहीं, मगर आखिरकार उसका भाई उसे मिल गया। उस रात मिशेल ने लेना से कहा कि सोवियत आर्मी से बाहर निकलना नामुमकिन है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि जॉन आखिर ऐसा कर कैसे पाया। अगले दिन मिशेल ने जॉन को अपनी दुकान दिखाई और फिर उसे लेकर अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास गया। मॉरिस को जॉन ने बताया कि वो नॉर्वे से आया है, जबकि उसने मिशेल से कहा था कि वो रशिया से आया है। उसने इस बारे में जब जॉन से पूछा तो उसने कहा कि वो अभी उसे कुछ समझा नहीं पाएगा, और इस बात पर मिशेल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैडलीन ने जब लेना को अपने अफेयर के बारे में बताया तो लेना ने कहा कि वो कभी मिशेल को धोखा नहीं दे सकती, पर मैडलीन का कहना था कि हर औरत अपने पति को धोखा दे सकती है अगर वो उससे सचमुच प्यार नहीं करती। जॉन ने मिशेल को वो कपड़े तोहफे में दिए जो कपड़े खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, और अपने भाई की मदद से मिशेल का बिजनेस बच गया। वो ये जानकर हैरान हो गया कि उन्हें इन कपड़ों के बदले पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और फिर उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए जॉन ने उसे एक और आइडिया दिया। जॉन के कहने पर मिशेल ने रेडीमेड सूट्स बेचने शुरू किए और देखते ही देखते पूरा शहर उसकी दुकान में आने लगा। वो अब लेना के लिए नए तोहफे भी ले पाया और तोहफे के तौर पर उसने उसे एक परफ्यूम की बॉटल दी जो लेना को बहुत पसंद आई। इन तोहफों के अलावा मिशेल ने अपने परिवार के लिए एक गाड़ी भी खरीद ली। एक दिन मॉरिस के साथ वक्त बिताते हुए जॉन के सामने साशा नाम का एक आदमी आया जो जॉन के साथ जंग का हिस्सा हुआ करता था। साशा को देखने के बाद और जॉन के अतीत के बारे में पता करने के बाद मॉरिस को लगने लगा कि शायद वो एक गद्दार है जो कभी नॉर्वे में था ही नहीं। उसे डर था कि जॉन मिशेल पर नजर रखने आया है, क्योंकि मिशेल रशिया छोड़कर इस देश में आया था। जॉन से ध्यान हटाकर मिशेल मैडलीन की बातें करने लगा और मॉरिस ने कहा कि वो जानता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। मिशेल ये सोचकर बेफिक्र था कि लेना मैडलीन जैसी नहीं है, पर वो ये नहीं जानता था कि लेना जॉन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। और जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। ये सारी कहानी जानने के बाद एनी ने जॉन नाम के उस आदमी को ढूंढने का फैसला किया जिसके बारे में उसे अभी अभी पता चला है। उसने अपनी बहन तानिया को बताया
कि वो उस शहर में है जहाँ उनके माता पिता रहा करते थे और वो जॉन के बारे में जानना चाहती है। पर तानिया उसके इस फैसले से खुश नहीं थी। एनी को उस वक्त एक तस्वीर देखकर पता चला कि जो अंगूठी उसे मिली है वो जॉन की थी, और ये सच जानकर वो अपने पिता की दुकान में चली गई जहाँ अब किसी और की दुकान है। उस जगह जाकर उसे आगे की कहानी समझ आने लगी। साशा मिशेल की दुकान में काम करने लगा और मिशेल के परिवार में सब कुछ ठीक चलता रहा, पर धीरे धीरे जॉन को मिशेल और लेना का रिश्ता परेशान करने लगा। मिशेल अब भी ये जान नहीं पाया था कि साशा और जॉन असल में कौन है। इसके बावजूद वो उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता रहा। जॉन लेना और तानिया के साथ पहले से ज्यादा वक्त बिता रहा था, और एक दिन वक्त बिताते हुए लेना ने उसे बताया कि मिशेल और उसकी शादी एक दिखावा था। मिशेल ने लेना को कंसंट्रेशन कैंप से बचाने के लिए कह दिया था कि लेना उसकी मंगेतर है, और इस तरह उन दोनों की मुलाकात हुई थी। लेना उसे जानती तक नहीं थी, पर उसने शादी के लिए हाँ कह दिया क्योंकि वो अपने आप को मिशेल का कर्जदार मानने लगी थी। इन बातों के बीच जॉन ने एक अनजान आदमी को देखा, और उस आदमी का ध्यान भटकाने के लिए वो लेना का पति होने का नाटक करने लगा। उस आदमी से बचकर वो वहाँ से भाग निकला, और पूरी रात वो घर लौट कर नहीं आया। ये सारी बातें जानकर मिशेल परेशान हो गया, और दूसरी ओर जॉन साशा के घर चला गया, जिसने कहा कि इस बारे में उन्हें अपने साथी विक्टर को बताना होगा। जॉन को ढूंढते हुए मिशेल साशा के घर आ पहुंचा, और अपने भाई को सुरक्षित देखकर मिशेल को राहत मिली। जॉन ने उस वक्त बताया कि वो अब भी एक सोवियत सैनिक है जो उन गद्दारों को ढूंढने आया है जिन्होंने अपना दल बदल दिया है। सच जानकर मिशेल जॉन के सामान की छानबीन करने लगा, और उस सामान में उसे अपनी माँ की एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि जॉन को फ्रांस से दूर रहना चाहिए। 9 साल की उम्र में अलग होने के बाद मिशेल अपनी माँ से मिला नहीं था, और उनकी लिखी बातें पढ़कर मिशेल रोने लगा क्योंकि उसकी माँ कभी उसे भूल नहीं पाई। अगली सुबह उसने जॉन से उस चिट्ठी के बारे में बात की, और तब मिशेल को यकीन हो गया कि वो सचमुच उसी का भाई है। जॉन और लेना एक दूसरे के करीब आने लगे, और ये बात साशा भी समझ गया। उसने जानबूझकर लेना से कहा कि जॉन रशिया में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता है, और कुछ ही दिनों बाद वो ये देश छोड़कर वापस रशिया जाने वाला है। ये सुनकर लेना निराश हो गई। उस दिन घर लौटने के बाद जब लेना जॉन के सामने आई तो उसने बता दिया कि वो जॉन से प्यार करने लगी है। लेना ने मैडलीन को भी ये सच बताया, और मैडलीन कहने लगी कि जॉन से प्यार करना कोई पाप नहीं है। साशा को लगने लगा कि लेना की वजह से जॉन काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा, और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस हो गई। जॉन लेना से दूर रहने की कोशिश करने लगा ताकि वो अपने भाई की शादी टूटने का कारण ना बने। वो जानता था कि मिशेल लेना से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर लेना अपने आप को जॉन से दूर नहीं रख पा रही थी। जॉन खुद भी लेना से प्यार करने लगा था, और ये देखकर साशा की नाराजगी बढ़ती गई। कुछ देर बाद रेडियो पर विक्टर की खबर सुनाई गई, और मिशेल उसे एक गद्दार कहने लगा और उसके बारे में बुरा भला कहने लगा। विक्टर जॉन का साथी था और उस सोच के खिलाफ था जो मिशेल जैसे लोग रखते हैं। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस हो गई, और मिशेल ने जॉन को उस घर से हमेशा के लिए निकल जाने के लिए कह दिया। मिशेल और लेना दोनों से परेशान होकर जॉन उनकी जिंदगी से दूर चला गया, और उसके जाते ही लेना का बर्ताव बदलने लगा। उसने तानिया पर ध्यान देना बंद कर दिया, और मिशेल से कहने लगी कि वो दिन भर घर में रहकर थक चुकी है। अचानक एक दिन फ्रेंच पुलिस मिशेल के घर आ गई, और वो पुलिस वाले उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। साशा समझ गया कि पुलिस जॉन को ढूंढ रही है, और उसका डर सही था। मिशेल को बताया गया कि जॉन ने एक आम नागरिक की जान ली है क्योंकि उसे शक था कि वो आदमी एक नाजी सिपाही हुआ करता था। उसी रात साशा और जॉन ने एक और खून किया, और एक एक्स नाजी सिपाही को मारकर उन दोनों ने अपना मिशन पूरा किया। मिशेल जॉन की मदद तो करना चाहता था, पर वो ये तक नहीं जानता था कि जॉन कहाँ है। आज इन सारी बातों को जानने के बाद एनी मिशेल से मिलने गई, और मिशेल ने उसे बताया कि जॉन ने एक मासूम इंसान को मारा था, इसलिए उसने कभी अपने परिवार के सामने जॉन का जिक्र नहीं किया। कुछ देर बाद तानिया भी उनके पास आ गई, और वो दोनों बहनें अपने पिता की बिगड़ती तबीयत के बारे में बातें करने लगी। अपनी बेटियों के साथ वक्त बिताते हुए मिशेल अपने अतीत को याद करने लगा, और उसे वो दिन याद आया जब मॉरिस ने मैडलीन और पॉल को अपनी पार्टी से निकाल दिया था। मैडलीन तो आजाद हो गई थी, पर लेना जॉन के बारे में सोचकर हर रोज रो रही थी। उसी दिन साशा उसके पास आ गया, और उसने जॉन का पता देकर उसे एक लिफाफा दिया जो उसे जॉन तक पहुंचाना था। बिना वक्त गवाए लेना जॉन के पास गई, और उससे पूछने पर लेना को पता चला कि जॉन साशा के साथ पैलेस्टीन जाने वाला है। जॉन ने सच बताते हुए ये कह दिया कि वो उस नेटवर्क के लिए काम करता है जो एक्स नाजी सिपाहियों को ढूंढकर उनसे बदला लेती है। जॉन के जाने से पहले लेना एक आखिरी बार उसके करीब आई, और इन सारी बातों से मिशेल अनजान रहा। जॉन को अपने और लेना के इस रिश्ते की वजह से पछतावा होने लगा था, क्योंकि मिशेल एक अच्छा इंसान था और जॉन का भाई भी। उसने लेना को घर जाने के लिए कह दिया, पर इससे पहले कि वो वहाँ से निकलती पुलिस वाले जॉन को ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचे।
और लेना जॉन को बचाकर वहाँ से भाग निकलने की कोशिश में लग गई। लेना ने मिशेल से कह दिया कि वो जॉन के साथ है और उन्हें उसे बचाने के लिए बॉर्डर पार करने में उनकी मदद करनी होगी। मिशेल को सोचने के लिए वक्त भी नहीं मिला और उसे जॉन की मदद करने के लिए उसके पास जाना पड़ा। वो जॉन से नफरत करने लगा था, पर उसका भाई होने के नाते वो उसे पुलिस के हवाले भी नहीं कर पाया। वो जॉन को बॉर्डर के पास ले जाने लगा, पर उसने कह दिया कि वो उसके बदला लेने की सोच से सहमत नहीं है। पूरी रात सफर करने के बाद जब अगली सुबह वो लोग फ्रेंच बॉर्डर पर पहुंचे, तो मिशेल ने जॉन और लेना दोनों को उनका पासपोर्ट दे दिया, क्योंकि मिशेल जानता था कि लेना जॉन के साथ रहना चाहती है। बिना अलविदा कहे उसने लेना को हमेशा के लिए अपने आप से दूर करने का फैसला कर लिया। वो लेना से अब भी प्यार करता था, इसलिए जब उसे पता चला कि लेना जॉन के साथ नहीं गई, तो वो उसे वापस अपने घर ले आया। उस दिन के एक साल बाद एनी का जन्म हुआ और जब वो 6 साल की हुई तब मिशेल और लेना एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी शादी बचा नहीं पाए। एनी हमेशा अपने पिता से अलग अपनी माँ के साथ रही और आज जब उसे मिशेल के साथ वक्त बिताने का मौका मिला, तब तक मिशेल भी मौत के करीब जाने लगा। अंत में मिशेल के आखिरी पलों में वो उसके साथ रही और उसने बताया कि उसने एक फिल्म बनाई है। मिशेल को लगा कि वो फिल्म जॉन की जिंदगी पर आधारित है, पर एनी ने बताया कि वो फिल्म मिशेल के बारे में है। उस वक्त भी मिशेल सिर्फ लेना की बातें कर रहा था और उसकी बातें सुनकर एनी रोने लगी। तानिया के साथ कुछ दिन उसी हॉस्पिटल में रहने के बाद एक दिन एनी को बताया गया कि मिशेल को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। दोनों बहनें उसे मौत से पहले एक अच्छी बात बताना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसे बताया कि जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था उस आदमी की मौत हो गई है। ये सुनकर मिशेल बहुत खुश हुआ और एनी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसी रात मिशेल की मौत हो गई और इस बार फ्यूनरल के बाद दोनों बहनों को अपने पिता की चीजें देखने का मौका मिला और उन चीजों में उन्हें वो परफ्यूम की बोतल मिली जो सालों पहले मिशेल ने लेना को तोहफे में दी थी। उस दिन एनी को एहसास हुआ कि हर परिवार में कुछ छुपी हुई कहानियाँ होती हैं जो कभी बाहर नहीं आती, और उन कहानियों के सामने आने से लोग अपने परिवार वालों के उस हिस्से को देख पाते हैं जो हिस्सा हमारे दिल में उनके लिए प्यार और बढ़ा देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।